राज्यसभा मंत्रालय से मामलों पर बहस हिजब इख्तलाफ तरफ प्रेस नाम कन सवालन पे वजीर दिफा सुंद बयान चीन तरफ फौजी पेट्रोलिंग रुकाव नामुमकिन बटमाल श्रीनगर में फोर्सिस मिलिटेंटन दरमियान झड़प त्रे मिलिटेंट खौतून हलाक गोलन हंदिस तबोदुलस मजा कमांडर से छोकदे एनकाउंटर खत्म सपदन पत फोर्सिस नौजवान दरमियान झड़प फोर्सिस तरफ नौजवान मुंतशिर करने बापत ताकतुक इस्तेमाल कैंस वक्त ताम झड़प जारी रोजन पत हालात पुरम तो सोपोर नौजवान सिंह हलाकत पे जिला मजिस्ट्रेट सिंह तरफ तहकीकात हुकुम पुलिस हिरासत में चलने पत नौजवान सिंह हलाकत आईजीपी विजय कुमार आदाब नाजरीन कोशिर खबरनामा हेस बौहर कुछे तुंदिस खदमत मज हाजिर पेश खबरन हिज तफसील राज्यसभा में युद्व आज कार्रवाई शुरू सपदन सल एस ए मामलों पे सवाल प्रश्न आए तथि वो वजीर दिफा राजनाथ सिंह से हिंद चीन तनाज जारी तो युद्व हिंदुस्तान कदवात जरिए मसलों को हल यहां ताहम चीन तरफ प्रेथ सत महदन खिलाफ वर्जी कर हिजब इख्तलाफ तरफ एल ए सी एस पे फौजी पेट्रोलिंग मुतलिक प्रश्न आमत सवाल जवाब दिवान वो वजीर दिफा राजनाथ सिंह से दुनियुक कह ताकत हि हिंदुस्तान फौजस पेट्रोलिंग निश रुक Galvan Valley was never a dispute site. Even from the Galvan Valley, after our soldiers are now not allowed to patrol up to the point which they used to patrol. Right. In Pangong area, also, more than 8 kilometers area, they are not allowing us to patrol the area which we used to patrol. Previously, we used to patrol up to Finger Point 8. Now we are not allowed to patrol up to that edge. After this negotiation, I would like to request the government, the entire chain, India-China area, our army and ITBP must be allowed to patrol up to the point which they used to patrol. Yes. इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई तो चीन की तरफ से की गई भारत की तरफ से नहीं की गई जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली वो फॉर्म एक्शन के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए सभापति महोदय जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है और मैंने दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया इसके बाद मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मास्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे सभापति महोदय कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति भी स्थापित की जा सकती है तो महोदय जैसा कि सदस्यों को जानकारी है बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड आपकी स्थिति कई बार बनी है जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था हालांकि इस वर्ष की स्थिति चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो हम पहले से बहुत अलग हैं फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं
अध्यक्ष महोदय, युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है। एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात यह कही है और कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ यह वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को भाई यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं। सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बटमालिन श्रीनगर मंच आज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़पे मज त्रे मिलिटेंट तक खोतून मार सपूदमुत जन गोलन हंदिस तबोदल मज सी आर पी एफ कमांडर चौक दर सपूद फिरदौस कॉलोनी बटमालिन निस मज तम सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन हंद तबोदल सपूदमुत इलाक मज मिलिटेंटन हज मौजूदगी इतला मिलने पत् फौज पुलिस तो सी आर पी एफन मुश्तरक पुट रोत क्यूथ इलाक महासर कुर आज सुबह तलोशी कार्रवाई शुरू कर अत मौक पलाक मौजूद मिलिटेंटो चलाए फोर्स एहलकार पे गोल यह दौरान वारहस कालस तम फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन हंद तबोदल जारी रूद गोलन हंदिस तबोदल जारी रोजन पत् आय फोर्स तरफ त्रे मकामी मिलिटेंट हलाक कर जन फोर्स तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन हंदिस तबोदल मजतून तारबदी सपद इब्तदाई गोलबारी मे सी आर पी एफ कमांडर तो चौक दर सपूदमुत इलाज बाप अस्पताल मुंतकिल कर मार सपूदमित मिलिटेंटन शनाखत आलूरा शुपियन रोजन वोल जाकिर अहमद पाल बद्रगुंड कुलगाम उबेर मुश्ताक तो बटपोर चुर अवंतीपुर आदिल हुसैन सिंह रंग सपजम जन मार सपजम खोतून हि शनाखत कौंसर रियाज सिंह रंग सपज ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें तीन दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से जो सीआरपी टीम को केओटी को लीड कर रहे थे उनको गोलियां लगी, जख्मी है, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश। यपुर आव झड़प खत्म सपदन पत् मकामी नौजवानों तरफ एहतजाज कर यह दौरान तमो नारबाजी तर जन अत मौक पे फोर्स तो एहतजाजी नौजवान दरमियान झड़प त सपज यह दौरान मुश्तिल नौजवानों तरफ फोर्स एहलकार पे कन इस्तेमाल आव कर जन फोर्स एहलकारों तरफ मुश्तिल नौजवान मुंतशिर कर बापत लाठीचार्ज तो उस अनन वाली गैस इस्तेमाल कुर नौजवान तो फोर्स एहलकार दरमियान कैंसस वक्त तम झड़प जारी रोजन पत् सपद हालात पुरम यपुर जरायो पे मालूम सपूदमुत क्रॉस फायरिंग मज खोतून हिज हलाकत के पुलिस के बयान खोतून हिंदो लवाकिनो तरफ मुस्तरद Thank you.
जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह वोन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्रीनगर जिलस में आये फोर्सेज तरफ सत कामयाब ऑपरेशन कर शुरह मिलिटेंट आये हलाक कर जन वरी जिस वह आज ताम दुसत कामयाब ऑपरेशन आये कर आज ताम मकामी तो गैर मकामी गैर मुल्की अखत सतसत मिलिटेंट आये हलाक कर तमो वो मजीद जत्मे वरी खोत रूद यह वरी सठा कामयाब आसनस सतन अमान बरकरार। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर सात कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और सात ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहां मारे गए हैं, जिसमें जुनेद सराई भी शामिल है जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी जिलों के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के जिलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी जिलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं। और ये साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमनोमान के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज्यादा है, खासतौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूं कि फोर्सेज जिस तरीके से अच्छा काम ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं, आने वाले वक्त में ऑपरेशन के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी मिलती रहेगी। फोर्सेज की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेट्रल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें, हर हाल में उसको होता है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं, बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं खासतौर में साउथ कश्मीर में। सोपरस में इरफान अहमद नाव किस नौजवान सिंधिस हलाकत पे फोन आई जी पी कश्मीर विजय कुमार ज्यादा सिलसिले में जिले इंतजामिया अख तहकीकती टीम तश्कील दिन हवाल अहकाम जारी कर उनको जब पिक किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोजेशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरग्रेट किया तो डिस्लोज एवं पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस थी, काफी अंधेरा था वहां पर। उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट कर रहा था, यहां पर ग्रेनेड छिपा रखे, यहां पर रखे, उस अंधेरा का फायदा उठा के वहां से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था, उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे, बाद में टॉर्च यूज लाए काफी रहे, कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे उनके पास लगा हुआ था, फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया,
फिर यहाँ पीसीआर में लाए गए, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराए, उनके बाद उनके फैमिली मेंबर का साथ जाके हम लोग स्वर्णबर्ग में उनको लाश राइड करवाए। दूसरी बात है कि जहाँ आप लोगों ने कुछ कंप्लेन एक्सप्रेस किया है चाहे उनके फैमिली मेंबर ने, उसके तहत मैंने एसपी साहब को बोला कि आप डीएम को पारामोला पे लेटर लिखिए, उन्होंने एक लेटर लिखा है, हम लोग डीएम से रिक्वेस्ट के आप मैसेज इंक्वायरी इन एस एच डी ए शायद आज सुबह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलर्स सुचु लाइन ऑफ कंट्रोलर्स पे हिंद पाक फौज दरमियान कशीदगी जारी ये जन पत्मो कैंसो रेतों पे राजौरी तो पुंछ कैन कैंसन सेक्टर में पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी में तेजी आम तुंछ किस बालाकोट मेंडर सेक्टर में पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपुजम यद दौरान अख फौजी जवान चौक दर सपूदमुत ये जन कैंसन रिहायशी मकान तो नुकसान सपूदमुत अत मौक पे दुश्मनी फौजन दरमियान लोकटन हथियार सान बड़े हथियार हूं इस्तेमाल अमल में अन आमुत ये जन पाक भारत फौजन दरमियान सपूदम गोलबारी सत मकामी लुकन मज खौफ तो डर पौद सपूद। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेटन कुर आज पन्न ताज कारवाई में सन जास पांच किस मामलस अंदर ब्याख चार्जशीट अदालत मज पेश यथ अंदर फ्रीडम पार्टी हिंद सदर शबीर अहमद शाह सज घर वाजिन डॉक्टर बिल्किस खिलाफ तार्जशीट दायरा वो कर अदालत मन सरकार वकीलों वोनमुत डॉक्टर बिल्किस खिलाफ ईडी एजेंसी निश ठोस सबूत जमा जिम कठ पाकिस्तान निश रकम रटिन इंतहा पसंदी फलावन एडिशनल सेशन जज सिंध अदालत अंदर चार्जशीट दायर करनस हवाल नौ तारीख दह नवंबर थावन आमुत। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर जफर मनहासन गुलिस्तान न्यूज़ सत कान वोनमुत जम्मू कशीर मज ग दुमन काम सियासी सरगर्मी तारी रोजन तमो वो बाइकाट कर सकिन जम्मू कशीर में कह मसल हल ग। देखिए जब नहीं लड़ेंगे तब देखा जाएगा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। वैसे अकलमंदी का जो मैं अकलमंदी की बात तो मैं नहीं ये मैं ये कहूँगा जो अंदाजा है अभी इलेक्शन तो नियर फ्यूचर में होने दिखते नहीं है क्योंकि अभी तो वो चल रहा है डिलिमिटेशन। तो मेरा अपना अंदाजा है पाँच छः महीने शायद इलेक्शन तो अभी दूर है लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि उसी वक्त एक्टिव हो जब इलेक्शन हो। आखिर लोगों के मसले हैं उनसे तो आंखें बंद करके नहीं रहा जा सकता। दूसरे लोग भी अपनी एक्टिविटीज किसी न किसी शक्ल में कर रहे हैं अब वो क्या स्टैंड लेते हैं वो उनका काम है। हमारा स्टैंड बिल्कुल वाजे है वो स्टेट ढूंढ के उनको तो 370 भी पहले वो कह रहे हैं तो अगर उसका इंतजार करते हैं उनकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूँ हम ध्यानदारी से ये समझते हैं सभी मसाइल के साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको भी रहना चाहिए जारी रहना चाहिए ताकि 90 से 96 तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ नहीं थी। आल जेके पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफ आओ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कर दौरान एहतजाज में पंच सरपंच इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कर अत मौक पहतजाजी लूक इंतजामिया तरफ ई टेंडरिंग के निनाम के फैसल सूचन मजम कर वाल नौजवान रोजगार निश महरूम सपदन तमो वो इंतजामिया निनाम के फैसल पे गोबारा गौर यून कर और इस टेंडरिंग से इस टाइम ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या होगी पंचायत यहाँ पर मजबूर क्यों हुई आपके सामने आने के लिए। मजबूरी ये हुई है कि हम इससे रोजगार देते थे गांव में एजुकेटेड यूथ को जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है यहाँ पर हम चार चार पांच पांच लड़कों को एक एक एस्टिमेट देते थे वो अपना रोजगार चला पाते थे। इस टाइम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटों को आगे लाना चाहती है इससे जब वो ई टेंडर निकालेंगे और वहां पर एक ठेकेदार जब टेंडर डालेगा वो 10-10, 20-20 गाँव का मतलब अपना ये जो भी बैक टू विलेज का काम होगा। और इस आज के बाद जो गवर्नमेंट B2V3 करने जा रही है पंचायत ऑल वुमेन कश्मीर कॉन्फ्रेंस आज से ही ऐलान करती है हम बायकॉट करेंगे हम बैक टू विलेज प्रोग्राम में नहीं जाएंगे ये सही है। तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं।
مستقلی ہند زمان کران کو راز ساکشار بھارت مشن کے ملازمو سری نگر پریس کالونی میں احتجاج دوران تم سخت نعرابازی کران ات موقع پٹھ احتجاجی ملازمو اگر زن تم پتمو کیسو وریو پہ محکمہ تعلیم شکشان کم کران تاہم چن تم مستقل کر مشکلات من ہن آمت تمو کر ایل جی ایس اپیل تہذ مستقلی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یہ 8 साल से काम कर रहे हैं। 2012 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, हम ऑन मेरिट बेसिस पे हमारी सिलेक्शन हुई है। हमने पिछले 8 साल से एकेडमिक सपोर्ट भी दिया है, इलेक्शन ड्यूटी भी दे दी है, फुल सर्वे भी किए, हर किस्म का जहां पर भी गवर्नमेंट को हमारी जरूरत पड़ी है हमने वहां वो काम अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी फाइल पेंडिंग हुई है, हमारे हक में इनको रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि हमारी इनकी जरूरत है, ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन बदकिस्मती से हमारी फाइल पेंडिंग है। अब हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर आज के बाद जाया ना कीजिए, हमें जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन चाहिए। लुरगाम त्राल के लोको तरफ शिकायत बावान वोनमुत यदवे लोकन तबी सहूलत आई तल थाने बापत हेल्थ सेंटर कायम कर आमुत तहम हेल्थ सेंटर खस्त हाली तो तबी सहूलत हिंद ना आने किन ये वाले मरीजन मुश्किल व्यात्रिनी पवान मकामी लूको तरफ वन आमुत यदवे यह मामल कही आई फिर मुतल जिम्मेदार हिंद नोटिस मज तव तहम कह संजीद कदम तुलने आम कुछ मजन मुश्तमिल पता आ दुम त्रिम कमरा कहें सफाई सुथरी हूं ना कह खाल आ ना कह डाक्टर अच्छे ना क्या अगर अस रोद दौद कर दवा फिजिस पे जरूरत इंजेक्शन पे जरूरत सह एवेलेबल बनान अमें डिस्पेंसरी मं क्या वन मोदी पान गवर्नमेंटस अपील कर अगर अस ये हस्पताल क्या बन या यह गा तम शिफ्ट कुन जो तो अस रोज तुम शुक्र गुजार डोडहस में कोरोना वायरस के मजबत मामलों में इजाफ वुन पत आज इंतजामिया महकम सेहत तरफ डोडहस में मुख्तलिफ जान पर टेस्टिंग कैंप मुनद कर आमित यह दौरान आम लुकन आई टेस्ट कर अत मौक पे वोकाम कैंप मुनद कर मुतासर नफर हूं पता लग तो वक्त पे इन कोविड मुतासर आइसोलेट कर जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि डोडा के अंदर हर दिन केसेस आना फिर से स्टार्ट हो गया है, कल भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं और अलग अलग जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेस्ट हो रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं लोग वॉलेंटरी आ रहे हैं यहाँ पे और टेस्ट करवा रहे हैं। इसी सब में बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तहसीलदार डोडा शबीरहन मलिक साहब, इनसे पूरी जानकारी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सी। सर अभी तक कितने टेस्ट हुए और कहाँ कहाँ पर आप टेस्ट करवा रहे हैं? मैं आपको ये कहूँ जैसे ही हमारी स्टेट में थोड़ा स्पाइक हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में भी स्पाइक हुआ है कोविड पॉजिटिव टेस्ट का, पॉजिटिव हमारे पास कुछ ज़्यादा तादाद में आ रहे थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया यहाँ कुछ कंटेमिनेशन जोन बनाए। जोन बनाने के बाद यहाँ जो डायरेक्शन CDM साहब की हमने एक सर्वे करवाया, सर्वे करवाने के बाद हमने ये टेस्टिंग जोन आपने बनाए हैं सब जगहों पर ऐसे टेस्ट होंगे? हाँ डेफिनेटली जो डायरेक्शन है ऐसे ही होंगे। आपने पीछे देखा जो पहले हमारे कंटेमिनेशन जोन यहाँ बनाए थे, यहाँ भदरवा में बनाए थे, एक्टिव बेसिस पे हमारी टेस्टिंग लगी है, पार्ट पार्ट पर जिस साहब ने टीम्स बनाई हैं और हाल ही में जैसे देखें अभी आप सुन रहे हैं कि पुलिस अथॉरिटी दिन रात लगी हुई है लोगों। चांसर कोलगाम के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमुत इलाकस मज बिजली हिंद ये गिन इलाक लूकन सठा मुश्किल व्यात्रिन पवान मकामी लूकन हूं वन अगर जन मुतल महकम कन मुलाजमन फिर वन आव बिजली सप्लाई गड्यूल मुताबिक फराम यी कर तहम आव आज तम इलाकस मज बिजली निजाम सही कर तमो कर् मुतल महकम कन आला हुकाम अपील इलाकस मज बिजली शड्यूल मुताबिक फराम यी कर लूकन मुश्किल व्यात्रिन पे ट्रांसफार्मर कह हमसाय
डी सी सोब अस दूर पास नो ट्रांसफार थोत नीस प्रान मजे पावर तेम पाल पग रात या गए तुम दो दुम सोलर यू एंडस तुम्हें तिमन कह तो पावर वावर हको पावरस पे मान कर पुन कारबार मगर अस चलो ना कहीं अस गए हर कुछ तहसीलदार सोबस गए स्टैंडस गए जे ईस गए हर कुछ अफसर गए नाजरीन सत्य वोत कौशर खबरनामा अंद दिव इजाजत खुदा सवाल।